Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the third chapter from history of class 10th, that is nationalism in India. And this is the second part of the chapter. So first part अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. इस वीडियो में हम दो questions को cover करेंगे जो कि previous year पूछे गए थे. Previous year's questions हैं ये. तो हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज़. कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था वो सिटीज़ में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से कैसे स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज़. कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों होता गया धीरे धीरे सिटीज़ में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में. सो इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कांग्रेस का जो सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 में, उसमें ये बात कर ली गई थी कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है. और 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट भी हो गया. लेकिन आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे और सबके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब अलग अलग था और सबके ऊपर इसका असर भी अलग अलग पड़ा. टाउन्स में जो मिडिल क्लास रहती थी उनके लिए इसका मतलब अलग था, पीजन्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए इसका मतलब अलग अलग था. तो इस वीडियो में हम टाउन्स में पढ़ेंगे कि टाउन्स में ये जो मूवमेंट था वो कैसे इवॉल्व हुआ. तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के दिए हुए अवार्ड्स को वापस करेंगे, उनके द्वारा दिए हुए गुड्स को, सर्विसेज को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. तो ये चीज़ें हमने स्टार्ट की. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने क्या किया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनको छोड़ दिया. वो स्कूल, उन्होंने कहा ना हम स्कूल में पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे. लॉयर्स ने भी कोर्ट में जाने से मना कर दिया कि अब हम अपनी लीगल प्रैक्टिस नहीं करेंगे. इसके अलावा जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे उनको भी बायकॉट कर दिया गया. लेकिन सिर्फ एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जो कि मद्रास की थी, उसने ये इलेक्शन बायकॉट नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी किसकी थी, नॉन ब्राह्मण्स की थी. और इन लोग को लगता था कि इस इलेक्शन में लड़ने के बाद अगर ये जीत गए तो इनको कुछ पावर्स मिल सकती हैं, ऐसी पावर जो अभी तक सिर्फ ब्राह्मण्स के पास थी. तो नॉन ब्राह्मण्स चाहते थे कि उनको भी ब्राह्मण्स की तरह पावर मिले, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन से बायकॉट नहीं किया, ठीक है. उनकी पार्टी का क्या नाम था, जस्टिस पार्टी. कहाँ की थी, मद्रास की थी, इसको याद रखना. उसके अलावा देखो, अब इकोनॉमिक जो हमारा कंडीशन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो उस समय कैसी चल रही थी. हमने क्या किया था, फॉरेन गुड्स को यूज़ करने से मना कर दिया था. लिकर शॉप पिकेटेड कर दी गई. मतलब देखो, लिकर शॉप पिकेटेड का, पिकेट का क्या मतलब होता है कि किसी भी शॉप का, फैक्ट्री का, ऑफिस का एंट्रेंस ही ब्लॉक कर देना कि किसी को उसमें एंट्री नहीं मिलेगी. तो लिकर शॉप्स को एकदम उसके गेट्स को बंद कर दिया गया कि कोई अंदर नहीं जा सकता. फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाने लगा, ठीक है. अब आप देखोगे कि जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में फॉरेन क्लॉथ्स का, वो 1921 से लेके 22 के बीच में आधा हो गया था. जहां पहले हम 102 करोड़ का कपड़ा मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे, वहां अब हम सिर्फ 57 करोड़ के कपड़े को इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी. अब इससे एक चीज़ अच्छी क्या हुई कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो ग्रूम करने लगा, ठीक है. वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा क्योंकि हम इंडियन कपड़ा पहनने लगे थे उस समय, स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे थे, स्वदेशी कपड़ा भी पहनने लगे थे. तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही थी. अब इसमें बुरी चीज़ क्या हुई कि जो हमारी खादी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. और कॉमन पीपल जो कि, और जो थोड़े से पुअर लोग थे, वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो इतनी महंगी खादी खरीद ही नहीं पा रहे थे. इसीलिए अब उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स को मना कर पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स तो सस्ते थे, वो सस्ते दाम पे मिल जाते थे, ठीक है. और उसी तरफ जो हमारे
स्टूडेंट्स और टीचर्स थे जिन्होंने मना कर दिया था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, उनको भी कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था। अब उस समय इंडिया में कोई अच्छे स्कूल्स तो थे नहीं जिनमें हम जाएं, हमको पढ़ाई तो करनी है लेकिन हम पढ़े कहाँ। अब टीचर्स क्या बेरोज़गार तो हो जाएंगे ना अगर टीचर्स को कोई रोज़गार नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट का डर था टीचर्स को, स्टूडेंट्स को डर था कि उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो बायकॉट कर पाएँ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को। यही सेम कंडीशन लॉयर्स की भी थी। तो सब ने क्या किया, धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, गवर्नमेंट स्कूल में वापस जाने के लिए एकदम से मजबूर हो गए कि अब भैया अब हमसे नहीं होगा, अब हमें वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ेगा। लॉयर्स ने भी कहा कि हम क्या करेंगे, हम भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस से ज्वाइन करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्यों, दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि क्यों हमारा जो ये मूवमेंट था स्लो डाउन हुआ था धीरे धीरे, क्या रीज़न थे। पहला तो हमारी खादी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, दूसरा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन था ही नहीं, ना हमारे पास अच्छे स्कूल्स थे, तो हमारे टीचर्स तो अनएम्प्लॉयमेंट में ही मर जाते, बच्चों का फ्यूचर बिगड़ जाता, और लॉयर्स के पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो क्या जॉब करते अगर वो गवर्नमेंट कोर्ट्स को नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो डाउन होता चला गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, दोनों क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उसके आंसर्स भी मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।